बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बता दें करीब एक घंटे तक दोनों की मुलाकात चली। जेपी नड्डा के दो दिवसीय हरियाणा दौरे को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है, इस मुलाकात में हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से करीब एक घंटे तक मुलाकात की और इस मुलाकात में देखिए 2 सितंबर से हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा, जिसे लेकर इस मीटिंग में इस मुलाकात में बातचीत हुई और पंचायत चुनाव आने को है, जिसे लेकर भी बातचीत की गई, रणनीति बनाई गई। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लगभग एक घंटा चली इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। चूंकि जेपी नड्डा 2 सितंबर और 3 सितंबर यानी कि 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर है, तो एक ब्लूप्रिंट जेपी नड्डा को दिया गया है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पे लड़े या ना लड़े, इस पे भी चर्चा हुई है। क्योंकि संगठन के महामंत्री इस बैठक में थे, तो जाहिर तौर पे बात है कि हरियाणा में संगठन की क्या स्थिति है उसको लेकर बातचीत की गई है। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री इस मुलाकात के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे। मुलाकात खत्म होने के बाद वो फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। हालांकि मुलाकात खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक घंटे चली इस बैठक में हरियाणा में संगठन को लेकर कई अहम बातें हुई हैं। सबसे मुख्य बात कि पंचायत चुनाव गठबंधन में लड़ना है या नहीं, इस पर बात हुई है। हालांकि विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा हरियाणा आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। संगठन को मजबूती देंगे, ब्लॉक स्तर से लेकर लोकसभा स्तर पर बैठकें करेंगे। हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक के साथ साथ बीजेपी जेजेपी नेताओं से मिलेंगे। ये तमाम तरह की चर्चाएं इस बैठक में हुई है। अब देखना है कि पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही साथ संगठन को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें हरियाणा को बीजेपी के और कितना ज्यादा फायदा मिलता है। दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां थोड़ी देर बाद तहसील पहुंचेगी गोवा पुलिस। घर और फ्लैट के कागजातों की वेरिफिकेशन इस दौरान की जाएगी। हिसार में सोनाली के घर फ्लैट की जांच हो चुकी है। करीब 2 घंटे तक संत नगर स्थित घर पर जांच पड़ताल की गई। अब तहसील में गोवा पुलिस पहुंचेगी, जहां पर घर और फ्लैट के कागजातों की वेरिफिकेशन की जानी है। क्योंकि शुरुआत से ही परिवार वाले जो है संपत्ति को लेकर हत्या की गई है सोनाली की, ये आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, जिसे लेकर अब गोवा पुलिस तहसील भी जाएगी। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जो सुधीर सांगवान है, उन्होंने 6 एकड़ जमीन को लीज पर लेने के लिए दस्तावेज तैयार कर दिए थे, जिसे लेकर भी तहसील में जांच की जानी है। और ये 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां संत नगर घर पर पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। और लगातार देखिए पूरे मामले को लेकर परिजन जो हैं वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोवा पुलिस की जांच की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे राज जो सामने आने बाकी है, और इसी कड़ी में देखिए लगातार जो है गोवा पुलिस वो जांच पड़ताल कर रही है। कल सोनाली के फार्म हाउस पर गोवा पुलिस पहुंची थी, जहां सुबह से शाम तक कई घंटे तक जांच की गई, यानी चप्पे चप्पे की जांच फार्म हाउस की गई। और जिसके बाद आज संत नगर स्थित घर में भी जांच करने के लिए पहुंची। और अब यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि गुरुग्राम फ्लैट में भी, यानी सोनाली का जो गुरुग्राम में फ्लैट है, वहां पर भी गोवा पुलिस पहुंचेगी, जांच की जाएगी। लेकिन उससे पहले तहसील भी जाएगी, जहां पर सोनाली के जो कागजात है घर और फ्लैट को लेकर, उन तमाम दस्तावेजों का वेरिफिकेशन गोवा पुलिस के द्वारा किया जाना है। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दे, आज गुरुग्राम भी पहुंचेगी गोवा पुलिस। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, हिसार में जांच के बाद गुरुग्राम पहुंचेगी, जहां पर आपको बता दें कि गुरुग्राम में सोनाली फोगाट का फ्लैट है, जहां पर सुधीर सांगवान के साथ सोनाली रहा करती थी, उसकी भी जांच की जाएगी। हिसार में जांच के बाद गुरुग्राम पहुंचेगी गोवा पुलिस। तो सोनाली फोगाट के फ्लैट में ये जांच होनी है,
यानी तमाम जो प्रॉपर्टी है सोनाली फोगाट के हर जगह जाकर छानबीन की जानी है। और सेक्टर 102 यानी गुरुग्राम में जो फ्लैट है सोनाली का, सेक्टर 102 में वहां पर जाकर भी जांच की जानी है, जिसके बाद कई ऐसे खुलासे जो सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी अब तक जितनी भी जांच गोवा पुलिस ने की है उसे लेकर फिलहाल गोवा पुलिस कुछ भी कहने से मना कर रही है, लेकिन सबकी नजरें टिकी है कि आखिर सोनाली का हत्यारा कौन है। तो बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं, बड़ी जानकारी कि आज गुरुग्राम भी गोवा पुलिस पहुंच सकती है जांच के लिए। सोनाली फोगाट मौत मामले में लगातार गोवा की पुलिस जांच कर रही है और एक के बाद एक लगातार गोवा की पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ इस पूरे मौत के मामले से जुड़े एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश गोवा की पुलिस कर रही है, जहां गोवा के क्लब से लेकर होटल और फिर अब ये जांच पहुंच गई है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस। और अगला नंबर है गुरुग्राम के फ्लैट का, जिसमें सोनाली फोगाट जो है सुधीर सांगवान के साथ रहती थी। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सुधीर सांगवान ने पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान बताया था कि सोनाली फोगाट उनकी पत्नी के रूप में इस फ्लैट में रहती है, लेकिन अब तक के तथ्यों की बात करें, जानकारी की बात करें, तो गोवा जाने से पहले हरियाणा में जब सोनाली फोगाट आखिरी बार देखी गई थी तो 102 सेक्टर के इसी फ्लैट में सोनाली फोगाट आखिरी बार देखी गई थी। और अब एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने में जो है गोवा की पुलिस जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि जब गोवा पुलिस यहाँ आती है तो इस फ्लैट से क्या कुछ अहम सबूत गोवा पुलिस के हाथ लगते हैं।